हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिमित और आप सबका एक बार फिर स्वागत है सिविल टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साइट पे हम किसी भी प्रकार का फॉर्मवर्क कैसे चेक करते हैं, राइट। उसके चेकिंग के टाइम हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट। सो उसका चेकलिस्ट कैसे करते हैं इन शॉर्ट, वो आज हम सीखेंगे, राइट। सो साइट वर्क के हिसाब से देखें तो दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी पोस्ट पे हो साइट वर्क में, राइट, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो, साइट सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, बट आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दोस्तों, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए ये वीडियो में अंत तक, राइट। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सो सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मवर्क को फिक्स करते हैं, उसको प्लेस करते हैं, उससे पहले हमें कौन सी चेक्स करने हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला जो चेक है वो है मटेरियल के रिलेटेड, कि जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो फॉर्मवर्क के लिए, वो नया है या पुराना है, राइट। बिकॉज इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है आपके फॉर्मवर्क की स्ट्रेंथ और इसके साथ साथ आपका चेक्स, राइट। बिकॉज आपका फॉर्मवर्क अगर नया है तो वहाँ पे आपके काफ़ी सारा समय और चेक्स वहाँ पे बच जाता है, और ओल्ड फॉर्मवर्क है, ओल्ड मटेरियल है, तो आपको कुछ और चेक्स भी करने पड़ेंगे, राइट। तो वो क्या होंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। सो दोस्तों, अगर नया फॉर्मवर्क है तो वहाँ पे रिपेयर का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, राइट। बट अगर आपका पुराना फॉर्मवर्क है, पुराना मटेरियल है फॉर्मवर्क का, तो आपको कुछ चेक्स करने पड़ेंगे, लाइक वहाँ पे जो पहले डिफेक्ट्स थे उसको प्रॉपरली रिपेयर किए गए हैं या नहीं, राइट। सो वहाँ पे जो कुछ भी रिपेयर ज़रूरी है तो वो रिपेयर किए होने चाहिए, उसके बाद ही आप अप्रूव कर सकते हो वो मटेरियल को फॉर्मवर्क के लिए, राइट। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो लीकेज वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसको आप आसानी से अवॉइड कर सकते हो, राइट, बिफोर कंक्रीटिंग वर्क, राइट। सो ये ध्यान में रखिए। साथ ही में जो आपका मटेरियल है वो क्लीन होना चाहिए, और ये भी दोस्तों ओल्ड मटेरियल के बारे में है कि अगर आपका मटेरियल पुराना है, रीवर्क के लिए आप यूज़ कर रहे हो मटेरियल, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट टाइम जो कंक्रीट वर्क हुआ होता है उसका कुछ मटेरियल इसके ऊपर चिपका हुआ रहता है, राइट, और वही हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, राइट, फॉर्मवर्क के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली क्लीन किया हुआ होना चाहिए, और उसके बाद ही आपको फॉर्मवर्क के लिए वो मटेरियल यूज़ करना है, राइट। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है ऑयलिंग। आपका जो सरफेस है, मटेरियल का जो सरफेस है वो कंक्रीट के टच में आने वाला है, वहाँ पे आपको ऑयलिंग करना है, राइट। सो वहाँ पे प्रॉपर ऑयलिंग हुआ है या नहीं वो आपको चेक करना है, राइट। बिकॉज ऑयलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कि जब भी आप फॉर्मवर्क रिमूव करोगे तो वो आसानी से रिमूव हो जाए, राइट। अगर आपने ऑयल नहीं किया है तो आपका फॉर्मवर्क कंक्रीट के सरफेस से चिपक से आएगा, राइट, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होंगे, राइट। सो उसको अवॉइड करना है तो इसलिए हमें प्रॉपरली ऑयलिंग करना पड़ता है, राइट। सो वो ऑयलिंग आप चेक करें कि सही से किया गया है या नहीं, राइट। तो ये चेक थे दोस्तों जो हमें फॉर्मवर्क लगाने से पहले करने हैं, राइट, ताकि हमारा जो फॉर्मवर्क हो वो काफ़ी इफेक्टिव रहे, राइट। अभी कर लेते हैं बात कि फिक्सिंग के टाइम हमें कौन से चेक करना है, जब हम फॉर्मवर्क लगाएंगे उस टाइम पे कौन से चेक करने हैं। तो उसमें आ जाता है डिज़ाइन, मतलब जो आपका फॉर्मवर्क है उसको प्रॉपरली जो डिज़ाइन किया है उसके मुताबिक आपने फॉर्मवर्क किया है या नहीं, राइट। आपके जो ड्राइंग है उसमें आपको दे दिया जाएगा कि आपका फॉर्मवर्क किस तरह का रहेगा, राइट, कहाँ पर कितने प्रॉप्स रहेंगे, किस प्रकार की स्पेसिंग रहेगी, कितने आपके वुडन या स्टील के प्लैंक्स रहेंगे, प्लेट्स रहेंगी, राइट। सो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से ड्राइंग स्टडी करना है सबसे पहले, और उसके बाद अकॉर्डिंगली साइड पे वो एग्जीक्यूट किया गया है या नहीं वो आपको चेक करना है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है रिजिडिटी, कि आपका जो फॉर्मवर्क है वो प्रॉपरली स्ट्रेंथ गेन कर पा रहा है या नहीं, मीन्स आपका जब भी कॉन्क्रीट आप पूर करोगे तो कुछ ना कुछ हाइट से आप फॉल करोगे, राइट। सो उसकी वजह से कुछ प्रेशर जनरेट होते हैं, कुछ फोर्सेस जनरेट होते हैं, राइट। सो उसको वो प्रॉपरली
कैरी करना चाहिए। साथ ही में जब भी आप कंपेक्शन करोगे तो वाइब्रेशन जनरेट हो गया, राइट। सो उसके कारण भी जो कुछ भी प्रेशर जनरेट होता है उसको वो प्रॉपरली कैरी करना चाहिए, राइट। तो उतना वो रिजिड होना चाहिए, ये ध्यान रखें, राइट। इसके साथ साथ आपका जो फॉर्मवर्क है वो प्रॉपर लेवल में होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट भी सही होना चाहिए, राइट। बिकॉज आपके फॉर्मवर्क पे डिपेंड करेगा कि जो आपका कंक्रीट एलिमेंट है उसका अलाइनमेंट कैसा रहने वाला है, राइट। बिकॉज आपका फॉर्मवर्क का एलिमेंट सही, अलाइनमेंट सही नहीं रहा तो आपका कंक्रीट सरफेस का भी आपको अलाइनमेंट सही नहीं मिलेगा। तो आपको वो कंक्रीट सरफेस को बाद में तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद उसका कुछ यूज नहीं होता, राइट। सो ये ध्यान में रखें कि फॉर्मवर्क का अलाइनमेंट और लेवलिंग प्रॉपरली वहां पे किया गया है या नहीं, राइट। थर्ड पॉइंट है कि प्रॉप्स, जो आप प्रॉप्स यूज करने वाले हो, स्पेशली जब आपके बीम और स्लैब का आप फॉर्मवर्क कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉप यूज करना है, राइट। बिकॉज वो जो प्लेट्स है या प्लैंक्स है उसको आपको सपोर्ट देना है, उसके लिए हम प्रॉप यूज करते हैं, राइट। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कुछ फोटोज के थ्रू आगे, बट अभी मैं बता देता हूँ कि प्रॉप्स को आपको प्रॉपरली लोकेट करना है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे प्रॉप्स लगाना ही है, राइट। तो आपको ड्राइंग में दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको उसकी स्पेसिंग भी दे दी जाएगी और वो स्पेसिंग के मुताबिक आपको प्रॉप को लगाना है, राइट। तो भी इम्पोर्टेंट है, सेम उसी तरह से जहाँ जहाँ ब्रेसेस की ज़रूरत है वहाँ वहाँ ब्रेसेस आपको प्रॉपरली लगाने हैं, उसको चेक करने हैं कि जहाँ चाहिए वहाँ पे लगाया गया है या नहीं, राइट। इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बीम के अंदर होल चाहिए, राइट, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, राइट। एग्जांपल से थ्रू देखें तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत बार हमें ऐसा होता है कि एसी के जो पाइप्स है वो बीम के थ्रू हमें एक रूम से दूसरे रूम में ले जाना का होता है, राइट। सो उस टाइम पे हमें बीम में पहले से ही हॉल रखना होता है, तो वो शटरिंग के टाइम में हमें ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ ये हॉल चाहिए उस हिसाब से प्रॉपरली हॉल बना दीजिए और वो हॉल ऐसे ही छोड़ दीजिए, वहाँ पे कंक्रीट नहीं जाना चाहिए, राइट। सो प्रॉपरली हॉल प्रोवाइड किए हैं या नहीं वो चेक कर लीजिए। साथ ही में जो कुछ भी आपको सीलिंग जॉइंट जहाँ जहाँ आ रहे हैं वो सीलिंग जॉइंट चेक कर लीजिए प्रॉपरली वो प्रोवाइड किए हैं या नहीं, राइट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। इसके साथ साथ अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं ड्राइंग में या साइड पे तो वो चेंजेस आप एक बार वापस से देख लीजिए, रीवर्क कुछ किया है तो उसको भी देख लीजिए, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बट ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो काफ़ी डिपेंड करता है कि अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है तो आपका फॉर्मवर्क अच्छी खासी स्ट्रेंथ देता है, राइट। और अगर इसमें से एक भी पॉइंट मिस हो गया तो आपकी फॉर्मवर्क की जो स्ट्रेंथ है उस पर काफ़ी अफेक्ट गिरता है, आपका जो कॉन्क्रीट सर्फेस है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो सकता है। तो ऐसा ना हो तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, राइट, जब भी आप फॉर्मवर्क लगा रहे हो उस टाइम पे, राइट। तो चलिए कुछ इमेजेस देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वुडन प्लैंक्स है जो यहाँ पे बीम के लिए लगाई गई है, राइट। और यहाँ पे जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो वर्टिकल, वो है हमारे स्टील के प्रॉप, राइट, जो ये जो बीम है उसके फॉर्मवर्क को सपोर्ट करता है बॉटम से, राइट। सो ये इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप कंक्रीट पूर करो, राइट, तो इसका जो बॉटम जो प्लैंक है बॉटम जो प्लेट्स है वो डिफ्लेक्ट ना हो जाए, राइट, और वो गिर ना जाए, राइट। तो ये ज़रूरी है कि वो उसको प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए, राइट। इसलिए प्रॉप्स सही लोकेशन पे होने चाहिए और सही स्पेसिंग भी होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंक्रीटिंग वर्क हो रहा है, राइट। ये स्टेयरकेस का है, राइट, यहाँ पे स्टेयरकेस का स्लैब रहेगा उसका ये फॉर्मवर्क है, राइट, आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे लैंडिंग रहेगा, करेक्ट, और यहाँ पे वुडन प्रॉप्स यूज किया गया, राइट। ये जो वर्टिकल आपको दिख रहा है वो वुडन प्रॉप है, राइट। हाँ, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि ये जो है ये हमारे स्टील के प्रॉप्स है, राइट। अभी ये जो प्रॉप है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसकी हाइट जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। बट ये जो वुडन के प्रॉप्स है उसकी हाइट फिक्स रहती है, राइट,
सो ये एक डिसएडवांटेज और है, एक एडवांटेज है स्टील प्रॉप यूज करने का कि आपको जो हाइट चाहिए उस हिसाब से आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, करेक्ट। ये यहाँ पे बीम बनाया गया था, बीम कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसके बाद का ये है राइट। और बाजू वाली इमेज है, यहाँ पे ग्राउंड बीम का फॉर्मवर्क किया गया है राइट, आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट ये है कॉलम राइट, से कॉलम का फॉर्मवर्क किया गया है राइट। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी इसको प्रॉपरली एक्रॉन्स और ब्रेस चाहिए वहाँ पे प्रोवाइड करना है राइट। सो ये भी एडजस्टेबल होती है राइट, इसके हिसाब से आप कॉलम का अलाइनमेंट और उसकी वर्टिकलिटी को चेक कर सकते हैं और उसको एडजस्ट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट राइट। और उसके हिसाब से आपको चेक करना है कि प्लम्ब लगा के कि प्रॉपरली ये वर्टिकल है या नहीं, अगर नहीं है तो आप इसके थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हो करेक्ट, और इसको प्रॉपर वर्टिकलिटी प्रोवाइड करके दे सकते हो राइट। सो यहाँ पे ये कॉलम का फॉर्मवर्क हो गया करेक्ट, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से कॉलम का फॉर्मवर्क है राइट। सो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीकेज हो रहा है राइट, तो ये लीकेज नहीं होना चाहिए, तो आपको बॉटम में भी प्रॉपरली उस तरह से अरेंजमेंट करना है कि आपका फॉर्मवर्क वाटरप्रूफ रहे, वहाँ से किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो, तो वो ध्यान में रखें राइट। और ज़रूरत पड़े तो इस प्रकार से आप ये जो प्रॉप है वो भी लगा सकते हैं कॉलम के लिए राइट। और ये भी एडजस्टेबल होता है राइट, जैसे कि हमने देखा है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट राइट। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि जब हम फॉर्मवर्क रिमूव कर लेंगे उसके बाद हमें कौन से चेक्स करने हैं, कौन से चेक वहाँ पे हमें करने हैं। तो पहला है उसमें कंक्रीट सरफेस, कि आपका जो कंक्रीट सरफेस है उसको आपको प्रॉपरली एग्जामाइन करना है, मीन्स जब भी आप फॉर्मवर्क रिमूव कर दोगे तो उसके बाद जो आपका कंक्रीट एलिमेंट है उसको चेक कीजिए कि वहाँ पे जो कंक्रीट सरफेस है वो प्रॉपरली स्मूथ है या नहीं, सब जगह सही से कंक्रीट पूर हुआ है या नहीं, कहीं पे कुछ हॉल्स या कुछ हनीकॉम्स ऐसा कुछ जनरेट हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो वो वहाँ पे आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ पोर्शन में कंक्रीट सही से पूर हुआ नहीं होता राइट, वहाँ पे एग्रीगेट्स आपको सेपरेट हुए दिखते हैं राइट, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। तो अगर ऐसी कहीं पे है तो आपको वो नोट करना है और वहाँ पे प्रॉपर उसको करेक्ट करना है प्रॉपरली राइट। सो वहाँ पे रिपेयर करना होगा राइट। सो रिपेयर कैसे करोगे तो उसके बारे में भी आपको बाद में देखना है, उससे पहले आपको क्या करना होगा, अगर इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम आपको नज़र आती है कंक्रीट के एलिमेंट में फॉर्मवर्क रिमूव करने के बाद, तो आपको क्वालिटी इंजीनियर जो रहेगा साइट पे उसे आप चेक करवा लीजिए पहले, उससे आप इन्वेस्टिगेट करवा दीजिए कि इस प्रकार की प्रॉब्लम अराइज हुई है राइट। सो वो आपको सोल्यूशन देगा कि किस प्रकार से आप उसको करेक्ट कर सकते हो राइट। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपरली वो सरफेस को करेक्ट करना है, उसको प्रॉपरली रिपेयर करना है राइट। सो ये जो चेक्स थे वो आपको फॉर्मवर्क रिमूव करने के बाद आपको करने हैं राइट। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल सिविल टेक्नोलॉजी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।